भाई कुछ खास तो होना ही चाहिए, डिजिटल की दुनिया में अक्सर कुछ न कुछ होता रहता है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि क्या है ताजा खबर। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि त्रिभंगा आ रही है बहुत जल्द, और त्रिभंगा के 3 कलाकार हमारे साथ हैं, काजोल हैं, तन्वी जी हैं और साथ में रेणुका जी भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप तीनों को बधाई इस त्रिभंगा के लिए। रेणुका जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, फिल्म का नाम त्रिभंगा क्यों रखा है आपने? तीन लोगों की कहानी है इसीलिए या फिर कुछ और? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि तीन महिलाओं की कहानी है, तीन ऐसी महिलाएं जो एक ही परिवार से हैं और तीन अलग अलग जनरेशन की हैं, और इसलिए क्योंकि वो जुड़ी भी हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण तीन अलग अलग दिशाओं में, नजरिया उनको उनका अलग है, तो इसलिए त्रिभंग। क्योंकि अगर आपने कभी देखा होगा, त्रिभंग जो है वो ओडिसी जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसका एक एक भंगिमा है, एक मुद्रा है, जहाँ पर एक जो नर्तकी है वो उस पोज में बैठती जब है तो वो पोज जो है वो गर्दन में या कमर में या घुटने में अलग अलग किस्म की मोड़ है उसमें, लेकिन फिर भी उसमें खूबसूरती है जो मैं इन तीनों महिलाओं को मैं एक उसकी मतलब पैरेलल ड्रॉ करना चाह रही थी। तो इसलिए त्रिभंग, क्योंकि ओडिसी नृत्य मुझे बेहद पसंद है और ये महिलाएं भी बहुत बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसका नाम त्रिभंग रखा। जी जी जी। काजोल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मैंने जो देखा सिनॉप्सिस देखा उसमें आपने ओडिसी डांसर का गेटअप लिया हुआ है, आप ओडिसी डांसर दिखाई गई, आपने इस फिल्म के लिए सीखा या पहले से जानती थी? मैंने कुछ नहीं सीखा है। एक तो बता दूं कि जो ये ओडिसी नृत्य का जो एक ये हमारा ये कैरेक्टर का और पिक्चर का एक हिस्सा है, एक बहुत छोटा हिस्सा है, तो मुझे इतना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे लगता है कि जो जो भी शास्त्रीय नृत्य है जितने भी हैं हमारे पास, वो बहुत ही मुश्किल है करने के लिए, बहुत बहुत मुश्किल है करने के लिए और दिखाने के लिए भी। और तो मुझे पता है as a watcher I know that it's very difficult to convince somebody that you're a professional. Professional अलग बात होती है और you know कोशिश अलग बात होती है, तो I think हाँ मैंने कोशिश की है professional दिखने की, और लेकिन unfortunately I think Renuka has done a good job in not showing me too much doing it too much also. बहुत ज़्यादा नहीं किया है ताकि किसी को लगे नहीं कि you know मतलब कुछ गलत नहीं लगे उसके बारे में। जी बिल्कुल, लेकिन त्रिभंग पोज तो जरूर आपने किया होगा। जी जी हाँ, मैंने किया है फिल्म में, पिक्चर में किया है बिल्कुल जी। तो अभी तक आपने मतलब बचपन से बहुत कुछ देखा भी होगा, आपने बहुत सारे डांसर्स भी देखे होंगे, बहुत सारे देवी देवताओं की आपने तस्वीर भी देखी होगी जो त्रिभंग में होती है, आपको सबसे ज्यादा अच्छा त्रिभंग किस स्वरूप का या किस डांसर्स का आपको अब तक का अच्छा लगा? मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, काजोल आपसे। मुझे honestly मुझे लगता है कि ये एक जो एक पोज है, एक पोज है बेसिकली त्रिभंग, जो ओडिसी में है ज्यादातर, आई थिंक बाकी नृत्य में नहीं है, लेकिन हर जो संस्कृति नृत्य है उसमें, शास्त्रीय नृत्य है उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं देखने के लिए, और हर में एक खूबी है। टू बी ऑनेस्ट, भरतनाट्यम अगर आप देखो डन बाय अ प्रोफेशनल, आई हैव सीन डांसेस, मैंने उनका भी प्रोफेशनल देखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, आई लव हाउ हेमा जी डज इट, आई वॉच पार्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं, और कथक भी मैंने बहुत बहुत नज़दीकी से देखा हुआ है, तो आई लव वॉचिंग क्लासिकल डांसेस, माई फेवरेट इज कथक, बिकॉज आई हैव लर्नड कथक एज अ चाइल्ड एंड आई थिंक इट्स, मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डांसेस दैट देयर इज टू वॉच एंड टू पोर्ट्रे। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति होती है वो त्रिभंग में होती है, और मुझे वो बहुत आकर्षक लगती है,
तो वो मेरा एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत ही खूबसूरती से वो अपनी बांसुरी लेके खड़े होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने गुरु केलुचरण महापात्रा को देखा ओडिसी करते समय, इस तरह का त्रिभंग वो करते हैं ना, वो मतलब देखने से बनता है बस। तो आई थिंक ये दो मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। जी तन्वी जी, आपसे अगला सवाल है, त्रिभंग में आपको कौन लगता है कि तीनों में से, मतलब दो माँ हैं दो बेटियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेढ़ी कौन है? यहाँ बैठी है हमारे सामने, इनका कैरेक्टर जो है वो ही त्रिभंगा है और वो ही सबसे ज्यादा ट्विस्टेड और टेढ़ी है। और ये बहुत सही कास्टिंग भी हुई है मेरी। वही मैं बोलने वाली थी, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो ये आई थिंक रेणुका हैज लैंडेड अ परफेक्ट वन ऑन दिस बाय काजोल टू प्ले। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो है टेढ़ी मेढ़ी चीज, तीनों ही कैरेक्टर हम सब में है एक्चुअली। हम सब लोग थोड़े से टेढ़े मेढ़े ही हैं, क्रेजी हैं, किसी में वो प्रमाण ज़्यादा है, किसी में कम है। पर आफ्टर हैविंग सेड दैट, ये जो अनु का कैरेक्टर है, कितना भी टेढ़ा हो उसका दिल बहुत सही है। ये जितनी तीनों जो औरतें हैं उनका दिल बहुत सही है, वो सब अच्छी औरतें हैं। उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है या जो वो कैसे नज़र आती है लोगों के सामने, वो टेढ़ा है, पर उसकी वजह से ये औरतें टेढ़ी नहीं हो जाती है। उसमें एक पागलपन है क्योंकि वो अपनी चीज़ अपने सपने अपने हिसाब से करती है और अपने हिसाब से, बिल्कुल। तो और वो दुनिया में वो टेढ़ी मेढ़ी चीजें लगती है कि ये कुछ दुनिया से अलग करने जा रही हैं ये औरतें, ये दुनिया से अलग है इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी है। यू अग्री रेणुका? टोटली, मतलब और हम सेट पे भी वैसी थी तो इसलिए कोई हम है भी ऐसे, हम सबके सब वैसे ही हैं। क्रेजीनेस तो बहुत ज्यादा था हमें। और अगर आप कोई नॉर्मल चीज नहीं करो, अगर आप आपको आपको चॉइस मिले दो चीजों के बीच में, और एक चॉइस जो होती है वो सोसाइटी के हिसाब से सही है और एक चॉइस जो है वो अलग है, गलत नहीं है लेकिन अलग है, और अगर आप वो अलग रास्ते पे चले गए तो वो शायद टेढ़ी मेढ़ी लगती है लोगों को। तो वही हमारा हमारी फिल्म का बेसिक बेसिस है कि जो टेढ़ी मेढ़ी लगती है कभी कभी सिर्फ अलग होती है। काजल, आपके लिए ये OTT प्लेटफॉर्म पर ये पहला मौका है जब आप दिखेंगी किसी वेब सीरीज या वेब फिल्म में, तो ये चॉइस करना आपके लिए कितना मुश्किल था और कितना आसान था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगर मैं करूं तो अच्छी पिक्चर करूं, और ये डेफिनेटली एक अच्छी पिक्चर है, अच्छी स्क्रिप्ट है। मुझे स्क्रिप्ट बहुत बहुत पसंद आई थी, और उस वक्त हम पहले डिसाइड कर रहे थे कि OTT पे करें या नहीं करें, लेकिन जिस तरह से रेणुका को पिक्चर बनानी थी और जो यू नो जिस फ्रीडम के साथ उसको वो पिक्चर बनानी थी, आई थिंक इट वॉज बेटर टू बी रिलीज्ड, बेटर टू बी डन ऑन फॉर एन OTT प्लेटफॉर्म फॉर श्योर। और हमें बहुत मजा आया पिक्चर करने में। तो आई थिंक जो भी जैसे रेणुका ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, जो मैं फिर से कहूंगी कि हमारी पिक्चर हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, मराठी है, हमारी पिक्चर हिंगलराठी है जो है। तो हिंदी भी है, इंग्लिश, हाँ ये एक, हाँ बेसिकली एक नई भाषा हमने यूज की है, हिंगलराठी। तो हमारी पिक्चर हिंगलराठी है, तो जितने भी लोग ये तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं जरूर जाके देखिए, क्योंकि आप सबको समझ में आएगी। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था अभी जो सिनॉप्सिस देख रहा था, अचानक से उसमें एक मराठी सीन था, तो मुझे लगा कि कहीं ये कुछ और नहीं शुरू हो गया। मैं सच में कंफ्यूज हो गया, तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड, लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया है कि ये हिंगलराठी पिक्चर है, तो प्लीज ये हिंगलराठी पिक्चर देखिए। तो रेणुका जी, हर कहानी के लिए एक स्रोत होता है, एक मतलब प्रेरणा स्रोत होता है, आपकी इस कहानी के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे लगता है कि मेरे और मेरी माँ के रिश्ते में वो प्रेरणा मिली मुझे, क्योंकि मेरी जो माँ है वो मेरे गृहत्वाकर्षण का केंद्र है, ऐसा मैं कहूंगी। और अगर कोई भी तूफान मेरी जिंदगी में आता है, बहुत अच्छा शब्द बोला, ये क्या था?
कहीं आपने रेणुका सिंह के हम हिंदी चैनल पे बात कर रहे हैं और जो नेट और जो हमारा इंटरव्यूअर है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, मतलब सोचो, जस्ट थिंक। उनसे इस शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ, हम भी जानना चाहते हैं। ग्रेविटी का सेंटर जो है मेरी जिंदगी में वो मेरी माँ है, है ना? और अगर कोई भी तूफान मेरी जिंदगी में आता है तो बचपन में मेरी माँ जो थी वो उस तूफान को हटा देती थी या मिटा देती थी मेरी जिंदगी से। तो एक ऐसी माँ की कहानी मुझे इंस्पायर कर रही थी कि जो तूफान लाती है अपनी जिंदगी में अपनी चुनावों की वजह से, और उसके बाद में फिर उस जो बच्ची है उसकी जीवन पे उसका क्या असर पड़ता है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है अगर वही हिला हुआ हो तो फिर वो उसका क्या होगा, किस तरह से वो बड़ी होगी, किस तरह से वो अपनी बच्ची को बड़ा करेंगी, यू नो। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ है उसके बारे में सोच विचार करके कुछ नया क्रिएट करने में मुझे आनंद आया। और एक मुझे एक बहुत सालों पहले एक महिला मिली थी जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी हुई है क्योंकि मैं अपनी माँ को बिल्कुल नफरत करती हूँ। और मुझे वो इतना, मतलब वो बात चुभी एक्चुअली कि ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरे रिश्ते इतने अच्छे हैं। तो इसलिए उसकी चर्चा थोड़ी सी मैंने की कि ऐसे भी रिश्ते होते हैं, ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपनी बच्ची के साथ उनका नहीं बनता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको भी देखनी चाहिए हमारे माँ में, जो सिर्फ माँहुड के अलग अलायदा जाके देखें। तन्वी जी, आपका जो किरदार है वो मैं ज्यादा तो नहीं जान पाया, लेकिन इतना जरूर जान पाया कि आपके किरदार से भी जो काजोल का किरदार है वो थोड़ा सा नाराज रहता है। तो आपको अपने किरदार को निभाने के लिए जो प्रेरणा है वो कैसे और कहां से मिली, आपने कैसे सोचा इस किरदार को? ये असल में प्रेरणा तो जो सीन्स लिखे गए थे वो वहीं से मिला। और ये अक्सर देखा जाता है, मतलब मैंने अपने अतराफ कई ऐसे केसेस देखे हैं जो माँ बेटी में अनबन रहती है और इससे बहुत तकलीफ होती है और वो मुझे लगता है जो कम्युनिकेशन है वो मिस हो जाता है। तो मैंने ये कई केसेस ऐसे देखे हैं अपने अतराफ जो बहुत ही टेढ़ी उनकी उनका इक्वेशन होता है अपने माँ के साथ। और ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है जो अपनी वो रिबेल है और मैं भी कहीं रिबेल ही हूँ, मैं हमेशा से रिबेल रही हूँ। तो नॉट नेसेसरली विथ माई मदर पर दुनिया से भी। तो मेरे चॉइसेस जो लाइफ में हुए हैं वो भी हमेशा यूनिक रहे, ऐसे जो नॉर्मल जिसको हम कहते हैं वो मेरे चॉइसेस नहीं रहे। तो मुझे लगता है वो नयन मेरे अंदर से कहीं तो निकली है। अब मैं दुआ करती हूँ कि मैंने जो चॉइसेस किए हैं उसका मुझे ये परिणाम ना भुगतना पड़े। काजल, जैसे कि कहा अभी कि कास्टिंग बहुत सही है, अनवी जी ने भी कहा कि कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, आपको क्या लगता है आप कितना रिलेट कर पाए, क्योंकि फिल्म की भूमिका जो है रियल लाइफ में भी, मतलब आपकी मदर भी हैं, आपकी बेटी भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाई होंगी इस कैरेक्टर के साथ। बिल्कुल, मुझे तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड अनु, जैसे मैंने कहा है मुझे अनु बिल्कुल समझ में आई, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे रेणुका ने कहा है उसका उनका रिलेशनशिप उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा रहा है और मेरा रिलेशनशिप मेरी माँ के साथ बहुत बहुत अच्छा रहा है। तो बट लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि अगर बाहर से देखा जाए तो उनके जो डिसीशंस हैं, उनकी जो डिसीशंस हैं उनकी जिंदगी में जो उन्होंने बनाई है वो अलग नजरिए से अगर देखो तो कैसे लगेगा और कैसे उस कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड इट और मुझे तो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई क्योंकि आई लव्ड द सीन्स बिटवीन द मदर्स एंड द डॉटर्स और माशा के साथ जितने भी सीन्स थे, मिथिला के साथ बहुत जितने सीन्स थे, आई थिंक मुझे शी इज वंडरफुल टू वर्क विथ और मुझे बहुत मजा आया उसके साथ काम करने के लिए। एंड जैसे और रेणुका ने मेरे को इतना अच्छा, जैसे कहते हैं ना, पूरा मटन का डिश देख दे दिया है मेरे को खाने के लिए। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विथ एवरीबडी और बहुत मजा आया सीन करने में।
आपकी मम्मी के साथ आपका झगड़ा होता है कभी काजल? बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बार होता है। मेरी माँ के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते हैं, बट आजकल झगड़े किस बात पे हैं कि मम्मा व्हाई आरंट यू ईटिंग, व्हाई हैव यू लॉस्ट वेट। कहीं ना कहीं रोल्स बदल गए हैं अभी मेरी माँ के साथ। हाँ हाँ, अप टू अ पॉइंट, नॉट ऑल द टाइम, हर वक्त नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद मेरी माँ भी मेरे को घूम फिर के बोलती है, मुझे यू नो लिसन आई एम 75 इयर्स ओल्ड, जस्ट चिल नाउ, रिलैक्स। बेटी के साथ तो अभी ना हर चीज पे झगड़ा होता है। Why did you give me the food at 12 o'clock when I wanted it 1 o'clock? ये क्यों दिया मेरे को वो खाना था, ये मैं यहाँ पे जा रही हूँ, I will not, I was supposed to tell you but I didn't tell you। मतलब 100 चीजें हैं जिसपे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन उस बीच में हम बातें भी करते हैं और हम but we love each other also and मैं बहुत बातें करती हूँ उसके साथ भी और उसके ऊपर भी बात करती हूँ मैं, तो जितना वो सुने नहीं सुने उसके ऊपर मैं बोलते जाती हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा, कहीं के कभी कभी ना कभी याद आएगा उसका, जब वो 30 साल की हो जाएगी तब उसको याद आएगा कि हाँ मम्मी ने बोलना है, पता है वो माँ बनेगी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, और जैसे ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है वैसे इस फिल्म को भी लोग बहुत पसंद करेंगे, ऐसी हमें भी उम्मीद है, क्योंकि हमें तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़।